हेलो सर जी, कहाँ जा रहे थे? शशि नगर जा रहे हैं। आए कहाँ से? हाँ, माए हैं लखनऊ से। फिर से जा रहे हो? घूमने जा रहे हैं, लद्दाख जाएंगे सर, उसके आगे कारगिल होके। आधार कार्ड दिखाओ। उधर मनाली का रोड बंद है, इसलिए इधर से जाना पड़ रहा है घूम के। लखनऊ का अभी सर, इधर से रास्ता ठीक है? इधर से रास्ता ठीक है? चलो थैंक यू, बढ़िया। बहुत खराब रास्ता है इधर, हालत खराब हो गया। हाँ जी, चलेंगे सर, थैंक यू। क्या हुआ? आप थोड़ा खूबसूरत लगा है, इसके पहले तक तो सर हालत बहुत खराब हो गया रोड की वजह से। अभी टनल आ जाएगा सर, टनल के पास तो मजा आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। और होगा सर 700 के आसपास। हाँ ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली, आधार कार्ड चेक किया, दुनिया का सारा वजन चेक किया, अब आगे देखते हैं क्या पोजीशन है। यह अभी है बनिहाल टनल, तो अब बनिहाल टनल में देखते हैं। ओ भाई, ये तो बहुत ही सुंदर है। ओहो, ये तो बहुत ही सुंदर है बाबा। यहाँ पे एयर सर्कुलेशन के लिए वो भी लगे हुए हैं प्लांट्स। अरे काफी लंबी टनल है। इसका नाम है बनिहाल टनल। यहाँ तो लग रहा है मुझे ठंडा। अब अगर ठंडा लग रहा हो तो आते जाते और ठंडा हो सकता है टनल के बाद। और यार लाइनर फिर से पहनना पड़ेगा, वहां उतार दिया हमने। देखने साइड में फैंस लगे हैं फ्रेश एयर देने के लिए। और ये इवैक्यूएशन जो साइड में आपको डोर दिख रहे हैं, वो इवैक्यूएशन जोन डोर है। ये देखिए टनल वॉशिंग इज इन प्रोग्रेस। आपका टनल की धुलाई चल रही है एसओएस करने के लिए। मतलब ये पूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टनल है। मजा आ गया। कितने 10 किलोमीटर लंबी है, 8 किलोमीटर लंबी है, कितनी लंबी है। ओह
बिल्कुल दिल खुश हो गया भाई साहब, बिल्कुल मजा ही आ गया, बिल्कुल आतंक भाई आतंक, घुसते ही नजारे बदल गए भाई साहब। जितना हम लोग को टेंशन हुआ था खराब रोड पे, सारा पैसा वसूल। जितना हम लोग रोड मैप पे लिखे थे, एक रोड ऊपर से जा रही थी, टनल के नीचे नीचे आप पार कर गए। आपको एक चीज बता दें गाइस, एक टनल राइट साइड में है आने वाले लोगों के लिए, और एक टनल लेफ्ट साइड में है इधर से जाने वाले लोगों के लिए। भाई बनिहाल टनल के बाद तो भाई दिल ही खुश हो गया। ओ भाई यहाँ व्यू है, ओ हो 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 हो। अब यहाँ पर गाड़ी लगा कर रुकते हैं। नहीं रुक सकते यहाँ सर, रुक नहीं सकते। ठीक आओ, भाई साहब यहाँ कहीं रुकने नहीं दे रहे हमें, बाकी जनता खड़ी हुई है। ठीक है कोई बात नहीं, आगे चल के रुकेंगे। आगे भी बिल्कुल जबरदस्त है भाई व्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के रुकेंगे, कोई मसला नहीं है। सर ये रुक सकते हो, यहाँ रुक सकते हो चाय पीने के लिए। अच्छा जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। भाई साहब ये किधर से ले जाओ जा रहे हैं सर, ये श्रीनगर किधर में जाएंगे? ये जाके सर आगे आपको हाईवे मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, मार्केट से घूम के जाना पड़ेगा। जी जी ठीक, थैंक यू। यहाँ पे रुके हुए हम लोग 10 मिनट हो गया, कुछ भारी आर्मी मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं श्रीनगर के रास्ते में हैं हम लोग ने बंटिहाल टनल जस्ट पास किया है, और यहाँ पे हम पीछे तरफ चारों तरफ हमारे पहाड़ हैं। पीछे अगर आपको कैमरा दिखा पा रहा होगा तो पीछे तरफ सारे तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं, और रुके हुए हैं यहाँ पे, कुछ खाने की व्यवस्था है, और यहाँ पे हमने खाने का सामान ये ले लिया है। अब भाई जी ने गर्मा गर्म पकौड़ी तैयार कर लिया सर, बिल्कुल फ्रेश है आपके सामने, बिल्कुल फ्रेश। तो अब खाते हैं इसका और इसका मज़ा लेते हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे अपन, और रोड भी बहुत ज़बरदस्त है। तो गाइस आगे बहुत ही बारिश का मौसम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रेनकोट पहन लिए हैं, बाइक पे पूरा पन्नी नहीं चढ़ा दिए, क्रांचू वहाँ चढ़ा रहा है, और आपको मैं नज़ारे दिखाता हूँ। वो देखिए बर्फ़ के पहाड़। भैया हम लोगों ने पैकिंग वगैरह कर ली थी, प्लास्टिक वगैरह चढ़ा ली, तो लगता है बेटर, और ये बारिश आ गई तो कैमरा अंदर रखना पड़ेगा। अब देखते हैं फिर कहाँ पे बारिश रुकती है और हम यहाँ पहुँचना पड़ेगा।